खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। इनमें केवल 134 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 1491 पुरुष कैंडिडेट हैं। पहले चरण में हाई प्रोफाइल कैंडिडेट में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से हैट्रिक लगाने के प्रयास में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर रिजिजू का मुकाबला कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश अध्यक्ष नबाम तुकी से है। तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट पर डीएमके सांसद और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा का मुकाबला बीजेपी के एल मुर्गन से है, जो केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल असम के डिब्रूगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लव देव पश्चिम त्रिपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई कोयंबटूर से चुनावी मैदान में है। चुनाव से पहले राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं। राजस्थान की अलवर सीट से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। असम की जोरहाट सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कड़े मुकाबले की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बल्यान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह प्रजापति से है। मतदान शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीट, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की सभी 5, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, बिहार की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 1, असम की 5, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2, मेघालय की 2 सीट, सिक्किम की 1, नागालैंड की 1, मिजोरम और त्रिपुरा की भी 1-1 सीट पर मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के 1-1 सीट पर भी मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान केंद्रों पर विकलांग और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।